जो सुशांत ड्रग्स माफिया का पर्दाफाश करने वाला था दोस्तों, वो हमारा नायक है। सुशांत वाज किल्ड। बॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत केस होने के बाद देखा गया था कि बॉलीवुड बायकॉट हो रहा था, पर बॉलीवुड ने अब अपनाया एक और तरीका और अल्पेश यादव क्या होंगे अगले वो शिकार, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बता दिया जाए कि बॉलीवुड से खबर निकल के आ रही है कि एक मशहूर डायरेक्टर जो गिरफ्तार हो चुके हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा और दावा हो रहा है कि अभी इनका जो मामला है कोर्ट तक नहीं पहुंचा है, हो सकता है ये उससे पहले ही सुलझ जाए। क्योंकि बोला जा रहा है कि आप सबने एक फिल्म देखी होगी यारिया, यारिया फिल्म के अंदर आपने कई सारे किरदार देखे होंगे कि आखिरकार कई सारे लोगों ने उस फिल्म के अंदर काम करा था। पर एक और फिल्म आई थी यारिया 2 और कहा जा रहा है कि उस फिल्म के अंदर एक गाना है जिस गाने के अंदर किरपान का यूज़ किया गया है। अब दावा ये होता है कि सिखों की शान होती है किरपान, अब किरपान को जिस तरीके से यूज़ किया है तो कहा जा रहा है कि एक शख्स ने कंप्लेन करवाई और कंप्लेन करवाने के बाद कहा जा रहा है कि यारिया 2 के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम कहा जा रहा है कि विनय बताया जा रहा है और दूसरे में जान बताया जा रहा है, इन दोनों को पकड़ लिया गया है और बोला जा रहा है कि इनकी ओर से बयान निकल के आ रहा है कि जो इन्होंने यूज़ किया है वो किरपान नहीं है, वो तो इन्होंने कहा कि छोटा चाकू है वो यूज़ किया, किरपान तो यूज़ नहीं किया गया इनके द्वारा। पर कहा ये जा रहा है कि जिस भी शख्स ने उस गाने के अंदर वो यूज़ किया है उसने सिर पे दस्तार पहनी हुई थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि दस्तार पहना हुआ शख्स चाकू नहीं यूज़ करेगा, वो किरपान यूज़ करेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर है इनको गिरफ्तार किया, पकड़ा गया है पंजाब पुलिस के द्वारा और दावा ये हो रहा है कि अभी जल्द ही आगे इस पूरे मामले का जो फैसला निकल के आएगा वो सामने निकल के आ ही जाएगा। पर ये मामला अभी तक कोर्ट तक नहीं पहुँचा है, हो सकता है कोर्ट जाने से पहले ये मामला सुलझ जाए और पहले ही ये मामले में फाइनल निर्णय निकल के आ जाए। पर बात करें तो सुशांत केस की, तो सुशांत केस का निर्णय आज तक निकल के नहीं आया। क्यों आखिरकार सुशांत केस के बारे में लोगों ने बात बहुत करी, चर्चा बहुत करी, सवाल बहुत पूछे, पर आखिरकार उस मामले का कोई भी निर्णय आज तक निकल के नहीं आया। और इसी बात को लेकर लोग आज सवाल उठाते हैं कि आखिरकार सुशांत केस में क्यों आखिरकार आज तक कोई भी बड़ी खबर निकल के नहीं आई, क्यों आखिरकार लोगों ने सवाल बहुत उठाए पर उस पूरे मामले का कोई भी निर्णय ना निकल के आना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिरकार क्या है सुशांत मामले में ऐसा जो आज तक कोई बड़ी खबर निकल के नहीं आती है। आपको बता दिया जाए सुशांत केस होने के बाद बॉलीवुड को लेकर बायकॉट की खबरें निकल के आ रही थी, बॉलीवुड को बायकॉट करने की मांग उठ रही थी और बॉलीवुड को बायकॉट भी किया गया। पर अब कहा जा रहा है कि बॉलीवुड वाले समझ चुके हैं कि अगर बॉलीवुड को चलाना है तो कहीं ना कहीं उनको लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो उनकी मूवीज़ को फ्री में प्रमोट कर दें, जो उनकी मूवी के अंदर थोड़ा सा काम करके उनके जो YouTube में व्यूज़ आते हैं, जो लोग उनको देखते हैं वो उनकी मूवी भी देखने आ जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अभी हाल ही में बिग बॉस OTT के विनर अल्पेश यादव जो कहा जा रहा है कि यूट्यूबर हैं, अब कहा जा रहा है कि उनका पहला कदम बॉलीवुड में रख दिया है उन्होंने। कैसे? क्योंकि बोला जा रहा है कि उर्वशी रौटेला के साथ उनका पहला गाना आने वाला है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे दावा कर रहे हैं, कुछ फोटो ऐसे निकल के आ रही है जो बता रही है कि अल्पेश ने अभी हाल ही में क्या कोई म्यूजिक वीडियो शूट की है उर्वशी रौटेला के साथ, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं अल्पेश यादव का पहला कदम रख चुके हैं बॉलीवुड के अंदर। और हाल ही में तो कहा जा रहा है कि उन्होंने सलमान खान को लेकर भी भाई बोला, उनकी तारीफ करी और कुछ टाइम पहले तक वही अल्पेश जो आज तारीफ कर रहे हैं सलमान खान की, वो उनके ऊपर वीडियो भी बनाया करते थे, वो कहीं ना कहीं बातें भी किया करते थे बहुत सारी। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि बिग बॉस OTT जीतने के बाद सुर बदल गए हैं, ताल भी बदल चुकी है, अब क्या चाल भी बदल जाएगी और बॉलीवुड की नगरी में कदम रखने के बाद अल्पेश यादव क्या अब बॉलीवुड का हिस्सा हो चुके हैं, क्या यूट्यूब से अब बिल्कुल साइड हो गए हैं अल्पेश यादव? क्योंकि आपको याद है कैरी मिनाटी हो या फिर कई और यूट्यूबर हो जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा वो फिर बॉलीवुड की तरफ से ही बोलते हैं, बिल्कुल भी उनके अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, ये हमने देखा था। तो क्या आप अल्पेश यादव जैसे पहले वीडियो बनाया करते थे, क्या वैसी वीडियो आप बनाएंगे कभी, या फिर अब सिर्फ वो बॉलीवुड में ध्यान देंगे और अपने करियर में ध्यान देंगे और अपने उस काम में ध्यान देंगे जिस काम में अब उनको लगा दिया गया है, जैसे
अभी म्यूजिक वीडियो शूट हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई फिल्म के अंदर उनको मौका मिल जाए, या कोई टीवी सीरियल, या फिर कोई रियलिटी शो, या फिर कलर्स चैनल पर जो आता है बिग बॉस, उसके अंदर जाने का मौका मिल जाए। अभी तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार अलीश यादव अगली बार कौन से शो में या कौन सी मूवी में दिखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल कहा जा रहा है कि अलीश यादव इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं, और एक तरफ अगर हम बात करें तो सुशांत के बारे में भी सवाल उठाए थे अलीश यादव ने, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि रिया और महेश भट्टाचार्य उनके ऊपर भी सवाल उठाए थे, पर आज कहा जा रहा है कि अलीश यादव इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में इंडस्ट्री का हिस्सा परमानेंट अलीश यादव बन जाए और कोई ना कोई मूवी भी उनके ऊपर बन जाए। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, सिर्फ फेम, और इंडस्ट्री को वो फेम मिल रहा है उन लोगों से जो यूट्यूब में बैठकर सालों से मेहनत करके उन्होंने अपने व्यूअरशिप कमाई है, और अब उसी व्यूअरशिप के पीछे बॉलीवुड लग चुका है। तो देखने वाला विषय है कि यहाँ पर बॉलीवुड क्या लोगों का फायदा उठाएगा या फिर बॉलीवुड लोगों को मौका देगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि सुशांत भी एक आउटसाइडर थे और सुशांत के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सुशांत मामले में सवाल बहुत उठे, पर आज भी कहा जाता है कि वो मामला मिस्टीरियस माना जाता है, पर कहीं से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि इस मामले का कोई भी निर्णय जल्द निकल के आएगा। हो सकता है इलेक्शंस के आ रहे हैं तो उसके चक्कर में कोई ना कोई अपडेट निकल के आ जाए, पर फिलहाल कोई भी बड़ी अपडेट नहीं निकल के आ रही है उस पूरे मामले को लेकर। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार उस पूरे मामले का क्या सामने आएगा, जब भी आएगा, पर अभी तो फिलहाल कोई भी सच सामने निकल के नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि सुशांत केस का कोई भी सच सामने निकल के आएगा क्या? उस पूरे मामले के बारे में जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे किए गए थे, जैसे चाबी वाला हो, या फिर रुकमार शाह हो, या फिर गाड़ी का ड्राइवर हो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दावे करे, स्टाफ मेंबर हो, सब ने अलग अलग दावे करे, उसके बावजूद उस पूरे मामले का कोई भी बड़ा अपडेट नहीं निकल के आया। तो यही बात अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल उठाती है कि आखिरकार इस पूरे मामले का होगा तो होगा क्या? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए, ताकि हम जान पाएं कि आपके अंदर इस पूरे मामले को लेकर चल क्या रहा है, और खास करके इंडस्ट्री को लेकर क्या चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आप अपनी राय कमेंट से रखना मत भूलिएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।